नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अगर कंटिन्यू है फंक्शन तो एक्स इजिकल टू पे कंटिन्यू है, तो बताओ के की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखो कैसे करते हैं, फंक्शन अपने को दे रखा है क्या, एक्स की 5 -32 अपॉन x -2, और ये k दे रखा है और x नॉट इक्वल टू है एंड x इजिकल टू 2 है। ठीक है, तो कंटिन्यू है इसलिए LHL RHL एंड वैल्यू ऑन पॉइंट क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो अपने RHL निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी 2 + h पे निकालते हैं। तो यहाँ 2 + h रखना पड़ेगा, 2 + h की पावर 5 -32 अपॉन 2 + h -2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट क्या आ गई, एच टेंस टू 0। अब देखो ये एच की जगह 0 रखने पे 0/0 बन रहा है, ठीक है। तो 2 + h की पावर 5 - 32 अपॉन में h, ये देखो ये 0/0 बन रहा है, इसलिए अपने डीएल रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले पावर का करेंगे तो 5 आगे आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, और 32 का क्या होता है 0, और नीचे h का क्या होएगा 1। अब h की जगह 0 रखते हैं तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 की पावर 4 है, 16 5 = 80। तो RHL 80 आ रही है, और 2 पे वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, k। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि लिमिट अगर कंटिन्यू है तो LHL RHL एंड पॉइंट ऑन वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल। तो इसलिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 80। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करके दिखाना था। थैंक यू।